हेलो फ्रेंड्स, जब बात होती है बर्थडे या एनिवर्सरी डेकोर के थीम को या कलर कॉम्बिनेशन को मैच करने की, तब कैंडल्स बड़ी परेशानी देती है, क्योंकि ऐसे कैंडल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती। इस तरह की नंबर वाली कैंडल से ही सेटिस्फाई होना पड़ता है, और इससे ज़्यादा आपको मार्केट में नंबर वाली कैंडल्स में कुछ भी नहीं मिलता। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट होम। तो आइए देखते हैं इजी, अट्रैक्टिव और इनएक्सपेंसिव नंबर कैंडल घर पर कैसे बनाएं। इसे बनाने के लिए आपको लगेगा एक वेस्ट कार्डबोर्ड, टूथपिक या आइसक्रीम स्टिक, सेलो टेप और दो कैंडल्स बस, और इसमें ही आपके अट्रैक्टिव कैंडल तैयार हो जाएंगी। मेरा एक वीडियो क्लिप इस वजह से मिस हो गया है, शुरुआत वाला, तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ कार्डबोर्ड नंबर कट करने के बाद का। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स के कार्डबोर्ड को यूज में लाया है और उसमें से मैंने दो नंबर्स कट किए हैं, एक है 1 और एक है 3। जाहिर सी बात है, जो बर्थडे का नंबर होगा हम वही नंबर कट करेंगे। और कलर कॉम्बिनेशन मरून है, इसीलिए मैंने जो 3 और 1 है उसे मरून पेपर से डेकोरेट किया है। ये नंबर्स का उल्टा साइड है, रिवर्स साइड है, पीछे वाला साइड, उस पर हम दो कैंडल्स फिक्स कर रहे हैं सेलो टेप की हेल्प से। तो यहाँ पर हम उसे स्टिक करेंगे अच्छे से, सेलो टेप से बेस्ट ये स्टिक होने वाला है, बाकी कोई और चीज़ इसे नहीं लगेगी, ये सेलो टेप से ही अच्छे से फिक्स होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने दो कैंडल्स को दोनों नंबर्स के ऊपर के पोर्शन पर स्टिक किया है सेलो टेप की हेल्प से। अभी नीचे की पोर्शन में हम दो आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं या टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी टाइप का स्टिक हो आप उसे नीचे की पोर्शन पे विद द सेलो टेप ही आप उसे फिक्स करोगे, तो सेलो टेप से ये भी अच्छे से स्टिक हो जाएगा। फेविकॉल वगैरह इस पर बिल्कुल नहीं जमने वाला है, तो सेलो टेप ही इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज़ फॉर दिस। और इस तरह से हम ये दोनों स्टिक्स भी अच्छे से फिक्स करेंगे, स्टिक्स क्योंकि हम इसे केक में आसानी से खड़ा कर सके, सपोर्ट दे सके इन नंबर्स को केक के ऊपर लगाने के वक्त, और कैंडल्स ऊपर जलाएंगे। और जो रिवर्स साइड है आपका, ये सब उसी पे होगा, यानी बैक साइड पे नंबर्स के, और फ्रंट साइड पे आप उसको आपकी थीम के हिसाब से, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो भी है उस तरह से आप पेपर से अच्छे से इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे सेलो टेप से 2-3 बार सेलो टेप लगाकर एक के ऊपर एक इसे फिक्स किया है। आपको जितना बड़ा कैंडल बनाना है उतना बड़ा आप नंबर कट आउट करो, कैंडल तो वही रहेगी छोटी सी, स्टिक भी वही रहेगा छोटा सा, नंबर आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हो। स्टिक आप सपोर्ट के लिए थोड़ा सा थिक या थिन उस हिसाब से आप कर सकते हो, कस्टमाइज आप कर सकते हो क्योंकि आप खुद बना रहे हो। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और नंबर्स तो आपको जैसा बड़ा केक है वैसा बड़ा नंबर बना सकते हो। मार्केट में शॉप्स में मैंने खुद बहुत सारा ढूंढा है और कभी भी मुझे अच्छे से नंबर कैंडल्स नहीं मिले, और तभी से मैंने ये आइडिया अपनाया कि हर बार मैं बर्थडे के लिए ऐसे ही नंबर कैंडल्स बनाती हूँ। घर पर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं और टूटते भी नहीं है, आप देख सकते हो। ये देखो, फ्रंट साइड का क्लिप मेरा नहीं है अवेलेबल, इसीलिए आपको फ्रंट वाला मिस हो गया है दिखाना। मैंने मरून कलर चार्ट पेपर लगाया है और पंच जो रहता है फाइल पंच वगैरह उसमें से ये जो मैंने डॉट डॉट्स छोटी छोटी बिंदियां निकाल कर उस पर स्टिक कर दिए। आपका जो कॉम्बिनेशन हो उस कलर को आप यूज़ करो। और फिर इस तरह से ये नंबर 1 और नंबर 3 मैंने डेकोरेट करके विद द कैंडल विद द स्टिक्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल्स बिल्कुल रेडी है। इनका साइज भी आप देखिए कितना अच्छा साइज है, मतलब एक छोटे से केक के लिए ये कैंडल्स परफेक्ट है, मीडियम केक के लिए। और इनका डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा हो गया है, यानी कि ये पूरा वेस्ट पेपर से है, बस थोड़ा सा चार्ट पेपर लगा है घर पे ही, जो कैंडल्स थी वो स्टिक्स थी और जो पंच में से जो बिंदियाँ छोटे छोटे पेपर्स निकले वो कट करके लगाए। कॉम्बिनेशन मैचिंग है, थीम के हिसाब से है, आप देख सकते हो यहाँ पर केक रेडी है, उसका केक प्लेट रेडी है, और इसी को मैचिंग हमने ये
कैंडल्स बनाए। जब भी कोई ये कैंडल्स देखता है तो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये कैंडल्स ही होती है, क्योंकि किसी को ऐसी कैंडल्स मिलती नहीं है। हर कोई यही पूछता है कि कहाँ से ये कैंडल्स लाई, तो ये पता भी नहीं चलता है कि आपने खुद बनाया। इतना परफेक्ट और अच्छे से बन के आता है इसका कटआउट्स वगैरह। तो आप ज़रूर ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपने जो कैंडल्स बनाई उसकी फ़ोटोज़ मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना। ये केक भी होममेड है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और ये जो केक प्लेट है वो भी होममेड है, जस्ट इन 2 मिनट्स इसे बनाया जा सकता है। और पूरा थीम ओवरऑल एक मैचिंग थीम हो सकता है। इसके लिए आपको हर दुकान में ढूंढने की और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैचिंग और अपना जो थीम है अपने मन में और जो मैचिंग हमने किया है वो इजीली अवेलेबल कहीं भी नहीं होता है। दुकानों में, शॉप्स में हमें बहुत ही इसके लिए भटकना पड़ता है। तो अगर हमारा थीम और कलर कॉम्बिनेशन रेडी है तो घर पर ही हम ये सब चीज़ें एक आधे घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं। तो इस कलर कॉम्बिनेशन के मेरे कुछ डेकोरेशन वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं और कमेंट ज़रूर कर कीजिए। नाइफ भी मैंने यहाँ पर मरून कलर का डेकोरेट किया है, और सिंपल सा बर्थडे लॉकडाउन में, कोरोना में कोई आने वाला नहीं है और तो भी ये सिंपल सा बर्थडे हमने किया है। विथ सेंटर पीस भी है इसमें और बैकग्राउंड डेकोर भी है। आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसे चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ ट्राई डूइंग एंड शेयर द फोटोज़ विथ मी। थैंक यू, बाय।